सप्लीमेंट का क्या फ़ायदा जानते हैं कि ज़्यादा झंझट नहीं है, स्कूप लो, प्रोटीन पाउडर लो, पानी मिक्स करो, पी लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रोटीन पाउडर का मतलब क्या है? प्रोटीन इन पाउडर फॉर्म, जब हम लोग प्रोटीन को पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम लोग प्रोटीन पाउडर कहते हैं। एंड प्रोटीन इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी ग्रोथ। अगर आप अपना बॉडी का ग्रोथ करवाना चाहते हैं, आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे हार्ट ग्रोथ के लिए। जब हमारे दिमाग में प्रोटीन सप्लीमेंट का ख्याल आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा क्या, इसको खाने से मैं तो मर नहीं जाऊंगा ना, क्या इससे इसको खाने से लीवर किडनी डैमेज नहीं हो जाएगा, तो ये चीज़ सबसे पहले हम लोग सोचते हैं। लेकिन प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? सबसे पहले ये चीज़ आप सोचो, कहाँ से मिलता है प्रोटीन? होल फूड्स जैसे चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, पनीर, सोया एंड प्रोटीन सप्लीमेंट। हमारे बॉडी को जस्ट प्रोटीन से मतलब है, इस न्यूट्रिएंट से मतलब है। इसको ये चीज़ नहीं पता है कि ये प्रोटीन प्रोटीन सप्लीमेंट से आ रहा है, ये प्रोटीन होल फूड से आ रहा है, इसको बस प्रोटीन से मतलब है। बॉडी को नहीं पता कि प्रोटीन सप्लीमेंट है, ये होल फूड है। बॉडी के अंदर जाएगा, उसको उस न्यूट्रिएंट से मतलब, अगर प्रोटीन रहेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उससे आपका बॉडी ग्रोथ होगा। उसको ये चीज़ नहीं पता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट है भाई, एंड इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक फूड है, ये खाना है, हमारे बॉडी का एक ज़रूरत है जिसको पूरा करना जरूरी है। अगर आप खाना से प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं, जीरो साइड इफेक्ट। अगर हम लोग 2 scoops ऑफ प्रोटीन पाउडर डेली कंज्यूम करते हैं तो इसका क्या मैजिकल इफेक्ट होगा, हमारे हाइट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आप सही इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो थोड़ा भी स्किप मत करना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं भी डेली हाइट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने ठान लिया कि जिन लोगों का हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा मैं उनका हार्ट इंक्रीज करवा के रहूँगा। बहुत लोग बहुत उल्टा फुल्टा कमेंट करते हैं, मैं सुसाइड कर लूँगा, कल ही कमेंट आया था, ठीक है, एंड मैं स्क्रीनशॉट लेकर दे दूँगा। तो भाई ऐसा क्यों सोचते हो? आपका हार्ट जरूर इंक्रीज होगा, आप मेरे वीडियोज़ को देखो, देखना आपका हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 दिन में इंक्रीज हो जाएगा, 1 महीने में इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ को सही से फॉलो करते हैं, हाइट आप इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो सब्सक्राइब करके रखना एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करना। मैजिकल इफेक्ट जानने से पहले ये चीज़ जान लो कि आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए फॉर योर हाइट ग्रोथ। एंड अगर आप अपना मैक्सिमम हाइट पाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना मस्ट है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे आप अपना मैक्सिमम हाइट तक पहुँच सकेंगे। एंड अगर प्रोटीन पाउडर के साथ साथ आप डेली एक्सरसाइज करते हो ना, देन आपका हाइट, समझ लो, अगर आप एक्सरसाइज करने वाले बंदे हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, तब आपको कितना प्रोटीन चाहिए ये चीज जान लो। तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल पकड़ता हूं कि आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, 50 × 2.2, मतलब बॉडी वेट × 2.2। अगर 60 किलो होगा तो 60 × 2.2। तो अगर 50 किलो आपका बॉडी वेट है तो आपको डेली 110 से 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एंड अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो आपको इसका आधा प्रोटीन चाहिए, बिकॉज आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एक नॉर्मल इंसान को उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए जितना एक एक्सरसाइज करने वाले बंदे को चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो 110 का आधा कितना हो रहा है, 55 से 60 ग्राम आपको डेली प्रोटीन चाहिए। जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा आपको उतना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। एंड आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कितना प्रोटीन चाहिए, बॉडी वेट × 2.2। एंड अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, बॉडी वेट × 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली, समझ रहे हैं? तो आपको इतना प्रोटीन चाहिए, जितना ज़्यादा बॉडी वेट उतना ज़्यादा प्रोटीन। 1 scoop ऑफ प्रोटीन पाउडर में कितना प्रोटीन रहता है जानते हैं, अप्रॉक्स 25 ग्राम। तो अगर आप डेली 2 scoop प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो कितना प्रोटीन मिलेगा, 25 × 2, 50 ग्राम प्रोटीन आपको 2 scoop प्रोटीन से मिल जा रहा है, प्रोटीन पाउडर से मिल जा रहा है। एंड अगर सपोज मैं फॉर एग्जांपल पकड़ता हूं कि आपका वेट 50 किलो है तो आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए, 110 से 120 ग्राम। तो अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन यहां से ले रहे हैं तो आपको कितना प्रोटीन और एक्स्ट्रा चाहिए, 60 ग्राम। तो बाकी 60 ग्राम आपको होल फूड से कंज्यूम करना है। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो है तो आपको डेली 120 से 130 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
तो अगर 50 ग्राम प्रोटीन आप यहाँ से ले रहे हैं तो बाकी 70-80 ग्राम आपको खाना से लेना पड़ेगा, होल फूड से लेना पड़ेगा। एंड अगर आप एक लेजी इंसान हो, पैसे वाले हो, ठीक है, तो आप पूरा अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन पाउडर से कंज्यूम कर सकते हैं। बॉडी को ये नहीं पता कि प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप चाहे तो डेली 4-5 स्कूप कंज्यूम कर सकते हैं, जितना प्रोटीन आपको डेली चाहिए आप प्रोटीन पाउडर से ले सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। एक स्कूप का प्राइस पड़ जाता है 50-60 रुपया, तो एक नॉर्मल बंदा उतना स्कूप डेली खा नहीं पाएगा, बिकॉज बजट बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप होल फूड्स कंज्यूम करिए, बिकॉज जो सस्ता रहता है एंड प्रोटीन के साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है, जैसे कैल्शियम, जिंक, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिंस वहाँ से मिल जाता है। सप्लीमेंट का क्या फ़ायदा जानते हैं कि ज़्यादा झंझट नहीं है, स्कूप लो, प्रोटीन पाउडर लो, पानी मिक्स करो, पी लो। बट अगर आप चिकन, फिश ये सब कंज्यूम करेंगे तो मार्केट जाओ, चिकन खरीद के लेके आओ, फिर उसको पकाओ, फिर चबा चबा के खाओ, तो इतना ज़्यादा झंझट है। एंड प्रोटीन पाउडर क्या है, स्कूप में ले लो, पानी मिक्स करो, खा लो। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर आप लेजी हो, पैसे वाले हो, तो आप प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है तो मैं ज़्यादा होल फूड पे फोकस करता हूँ, बिकॉज वो सस्ता है और मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, पैसा तो फ्री का नहीं आता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा मैं भी 3-4 स्कूप कंज्यूम करूँगा, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है जब पैसा आएगा। तो बॉडी को बस प्रोटीन से मतलब है, इसको ये नहीं पता कि सप्लीमेंट है या होल फूड है। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर का प्राइस कितना पड़ेगा, 60 रुपये। एंड कितना प्रोटीन मिल रहा है, 25 ग्राम अप्रॉक्स। एंड अगर हम लोग 60 रुपये का चिकन खरीद कर लाते हैं तो 90-100 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो 60 रुपये में यहाँ पर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एंड 60 रुपये का अगर आप चिकन खरीद के ला रहे हो तो आपको 90-100 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन पैसा भी तो बचेगा भाई, पैसा तो फ्री का नहीं आता है। तो प्रोटीन पाउडर ऐसा कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको चाहिए आपको ईजिली मिल जाएगा। सो प्रोटीन पाउडर कोई भी मैजिकल कोई अवतार नहीं है कि इसको अगर खाएंगे तो आपका हाइट चुटकी में 2 दिन में बढ़ जाएगा। बस ये हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाइट इंक्रीज होगा। चाहे प्रोटीन पाउडर से अपना प्रोटीन कंज्यूम करें या आप होल फूड से लें, आपके बॉडी को चीज़ नहीं पता है कि यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन पाउडर, यू आर कंज्यूमिंग होल फूड्स, बस उसको प्रोटीन से मतलब है। चाहे कहीं से भी ले सकते हैं, बजट है तो आप इसको परचेस करिए, बजट नहीं तो आप होल फूड्स खाइए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे आप अगर और वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखना, बिकॉज जब भी मैं फ्यूचर वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे और कंटेंट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहना। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस, बाय, टेक केयर।